छोटी सी कहानी मुझे स्मरण आती है। दमिश्क में एक बादशाह ने एक रात स्वप्न देखा। स्वप्न देखा कि वह वृक्ष के नीचे घोड़े के पास खड़ा है और किसी काली छाया ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। लौट कर उसने देखा तो घबरा गया। उस छाया ने कहा, मैं मृत्यु हूँ और कल तैयार रहना और ठीक जगह पर पहुंच जाना, मैं तुम्हें लेने को आ रही हूँ। उसकी नींद टूट गई, सपना खुल गया, वो घबरा गया। सुबह होते ही उसने अपने राज्य के बड़े से बड़े ज्योतिषियों को बुलाया। बड़े से बड़े स्वप्न को जानने वाले विद्वानों को बुलाया और उनसे पूछा कि स्वप्न का एक लक्षण का क्या अर्थ है। रात मैंने काली छाया देखी है जिसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा कि कल मैं लेने आऊंगी, मैं मौत हूँ, तैयार रहना और ठीक जगह पर मिल जाना। ज्यादा समय भी नहीं था, केवल कल के दिन की बात थी और कल सांझ सूरज होते होते मौत आ जाएगी। ज्योतिषियों ने कहा, इस समय बहुत विचार का मौका भी नहीं है, आपके पास कोई तेज से तेज घोड़ा हो तो उसे ले लें और भागने की कोशिश करें, जितने दूर निकल जाए उतना बेहतर है। सिवा इसके कोई उपाय हो भी नहीं सकता था, मनुष्य की बुद्धि और क्या करती है। यही एक उपाय हो सकता था कि उस महल से, उस राजधानी से दूर निकला जाए। मुझने कहा, क्या उपाय हो सकता था, आपसे भी पूछता कोई तो क्या करते हैं, मुझसे भी पूछता तो मैं क्या बताता। उन ज्योतिषियों ने ठीक ही बताया, मनुष्य की बुद्धि और ज्यादा दूरती भी नहीं है, दौड़ती भी नहीं है, खोज भी नहीं पाती। सीधी सी बात है कि भागे हम बचे मौत से। तेज घोड़े की उस राजा के पास कमी न थी, तेज से तेज घोड़े थे, सबसे तेज घोड़ा बुलाया गया, वो बैठा और उसने भागना शुरू किया। घोड़ा बहुत तेज था और राजा निश्चिंत मन में धीरे धीरे होने लगा। घोड़े की तेज चाल को देखकर ये आत्मविश्वास आ जाना स्वाभाविक था कि बच जाऊंगा, निकल जाऊंगा, दूर हो जाऊंगा। धीरे धीरे राजधानी दूर छूटने लगी, राज्य दूर छूटने लगा, नगर गांव दूर छूटने लगे। घोड़ा भागता जाता था, न तो उस दिन राजा रुका, न उसने भोजन लिया, न उसने पानी पिया। कौन रुकेगा, कौन भोजन लेगा, कौन पानी पिएगा जिसके पीछे मौत पड़ी हो। न उसने घोड़े को ठहराया, न घोड़े के पानी की व्यवस्था की। उस दिन तो दूर से दूर निकल जाना जरूरी था। सूरज दोपहर हो गई, राजा काफी दूर निकल आया था, वो बहुत प्रसन्न था। दोपहर तक तो वो उदास था, दोपहर के बाद वो गीत भी गुनगुनाने लगा था। थोड़ी सी ख्याल आ रहा था कि काफी दूर निकल आया है। सांझ होते होते वो सैकड़ों मील दूर निकल गया था और जब सूरज डूब रहा था तो उसने जाके आम के बगीचे में अपने घोड़े को बांधा और एक झाड़ के नीचे खड़ा हुआ। निश्चिंत था, उसने परमात्मा को धन्यवाद देने को भी था कि अब तो काफी दूर निकल आया हूँ कि वही पंजा जो रात उसने देखा था उसके कंधे पर आकर रख गया। वो घबरा गया, उसने लौट कर देखा, वही काली छाया खड़ी थी। उस काली छाया ने कहा कि मैं बहुत परेशान थी कि इतनी दूर तुम आ भी पाओगे या नहीं, क्योंकि यही जगह तुम्हारी मौत होने लगी है। तो मैं हैरान थी कि ये कैसे संभव होगा कि इतना फासला तुम पार कर सकोगे या नहीं कर सकोगे, लेकिन घोड़ा सच में तेज था और तुम ठीक से दौड़े और ठीक समय पर मौजूद हो गए। हम दौड़े कैसे थी और एक दिन ये होगा, और सपना आपने देखा हो या न देखा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होगा।